रणबीर जाएगा रिया के साथ हनीमून और प्राची को हद से ज्यादा रणबीर से नफरत करने का अपने किए का एहसास और ले आई प्राची नहीं बल्कि शाहना रणबीर के सामने प्राची के प्रेगनेंसी होने की असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में रणबीर के रो रो कर गिर गिरा कर प्राची के सामने काफी सारे माफी मांगने के बावजूद प्राची के प्रेगनेंसी की सच्चाई रणबीर को न बताने की वजह से रणबीर अपना तीसरा सपना यानी कि खुद के बच्चे का सपना पूरा करने के लिए रिया के साथ फाइनल हनीमून जाने का फैसला कर लेगा, जिसके लिए रणबीर की माँ पल्लवी कल की ही फ्लाइट बुक कर देगी। जिसके बाद जब रणबीर अपने ऑफिस जा रहा होगा और आखिरी बार प्राची से मिलते हुए शाहना के सामने कहेगा कि तुम मेरा अपना तीसरा सपना पूरा करने के लिए कभी चाहती ही नहीं थी, तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा किया कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि अब मैं उसके पास जाने वाला हूँ जो मेरे तीसरे सपने को अपनी जिंदगी बनाकर जी लेगी और वो मुझसे इतना प्यार करती है कि वो मेरे तीसरे सपने को अपना सपना बना लेगी और खुशी खुशी मेरे बच्चे की माँ बनेगी। यह सब रणबीर के मुँह से सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और शाहना के होश उड़ जाएंगे और ये सब रणबीर के फैसले लेने के बावजूद प्राची रणबीर को कहेगी कि जाओ जाकर अपने तीसरे सपने को किसी और के साथ शेयर करो और तुम अपने तीसरे सपने को किसके साथ साकार करना चाहते हो तो वो मुझे मत बताओ, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको फर्क पड़ता है जाकर उसे बोलो, क्योंकि अगर मुझे फर्क पड़ता होता तो मैं तुम्हें कहती कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर रणबीर के होश उड़ जाएंगे और रणबीर कहेगा अभी तुमने क्या कहा। तब प्राची कहेगी नहीं नहीं मैंने वो गलती से कह दिया। तब रणबीर कहेगा आइंदा से ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि अब मैं जैसे ही रिया के साथ हनीमून जाऊंगा और जब वापस लौटूंगा तब तुम मेरी जिंदगी से काफी दूर चली गई होगी, इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे दिल में है वो मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैं नहीं मानता कि तुम नई प्राची हो, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि तुम मेरी वही पुरानी प्राची हो, फुग्गी की छोटी फुग्गी प्राची। यह सुनकर प्राची कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन जब प्राची फिर से गुस्सा रणबीर पर करेगी तभी रणबीर अपना ऑफिस चला जाएगा और प्राची अपने रूम में अकेले में जाकर काफी ज्यादा रोएगी, जिस वजह से शाहना प्राची पर गुस्सा होती हुई कहेगी कि तो आखिरकार ऐसी क्यों है, तुझे प्राची समझ में नहीं आता क्या, रणबीर को अब तुझे उसके बच्चे के बारे में बता देना चाहिए और कह देना चाहिए कि रणबीर तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो, लेकिन नहीं प्राची तुम्हारी इको बीच में आ जाती है ना। यह सुनकर प्राची शाहना को कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन प्राची कहेगी कि रणबीर के दिल में मैं नहीं हूँ बल्कि रिया है और वो रिया के साथ हनीमून करना चाहता है ना, तो जाओ जाकर उसे करने दो, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आज उसने हनीमून वाली बात लाकर मेरे सामने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि अब रणबीर को मैं अपने बच्चे के बारे में बता दूं, लेकिन रणबीर के रिया के साथ हनीमून वाली बात के बाद अब मैं रणबीर को कभी नहीं बताऊंगी। ये सुनकर शाहना कहेगी तू आज नहीं बताएगी तो कल रणबीर तुझे कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि सच में प्राची अगर तूने रणबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने की अब जरा भी देर कर दी तो रणबीर हमेशा के लिए उस रिया का हो जाएगा। यह सुनकर प्राची के होश उड़ जाएंगे, लेकिन जब रणबीर एयरपोर्ट से रिया के साथ शिमला के लिए निकल जाएगा और प्राची रणबीर को एयरपोर्ट पर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए जा ही रही होगी तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी, क्योंकि रणबीर रिया के साथ हनीमून के लिए चला गया होगा और प्राची को अपने किए पर पछतावा होगा। और लेकिन अब प्राची को यह सही समय पर रणबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देना चाहिए क्या नहीं, आप प्राची को रणबीर के बच्चे की माँ के रूप में दिखना चाहते हैं क्या नहीं, आपको प्राची रणबीर की जोड़ी कैसी लग रही है और यह रणबीर का हनीमून होना चाहिए क्या नहीं, यह सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।